हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम फोर्टिगेट फायरवॉल पे ट्रबल शूटिंग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने एक आप लोगों के लिए एक सिनेरियो बना रखा है, और इस सिनेरियो को यूज़ करके हम फोर्टिगेट फायरवॉल पे ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो ये हमारी फोर्टिगेट फायरवॉल है, जिसका लैन आईपी 192.168.1.1 है, लैन इंटरफेस का आईपी, और इसके साथ एक विंडोज मशीन कनेक्टेड है जिसका आईपी 192.168.1.11 है। इसको करेक्ट कर लेते हैं, 1.11 है, ये विंडोज मशीन है। और ये हमारा एक डीएमजेड इंटरफेस है, डीमिलिटराइज जोन का एक इंटरफेस है, जिस इंटरफेस पे हमारा विंडोज एडी सर्वर लगा है, और इसका आईपी 10.1.1.10 है, और इस इंटरफेस का आईपी 10.1.1.1 है। तो ये दोनों अलग सबनेट हैं। लैन का सबनेट 192.168.1 है, और TMZ का सबनेट 10.1.1.0 है। तो ये दोनों अलग अलग सबनेट हैं, और हमारी जो विंडोज़ की मशीन है, इसको कम्युनिकेट करना है विंडोज़ एडी सर्वर के साथ में। और हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जो विंडोज़ की मशीन है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है विंडोज़ सर्वर के साथ में। तो इसको हमें ट्रबल शूट करना है फोर्टिगेट फायरवॉल पे। तो मैं आपको फोर्टिगेट फायरवॉल पे एक बार लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी ये लॉगिन कर रखा है, आप देख सकते हैं 192.168.1.1, जो कि हमारा लैन सबनेट का आईपी है, इसके थ्रू मैंने इसको एक्सेस कर रखा है। अगर मैं आपको यहाँ पे नेटवर्क में आकर इंटरफेसेस दिखाऊँ, तो ये हमारे तीन इंटरफेस हैं जो कन्फिगर्ड हैं। पोर्ट नंबर 1 जो कि लैन इंटरफेस है, जिसपे हमने 192.168.1.1 दिया है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। ये हमारा वैन इंटरफेस है, जिसपे हमने 20.20 कन्फिगर कर रखा है। ये हमारा पोर्ट 3 है, जिसके साथ में हमारा विंडोज एडी सर्वर कनेक्टेड है, इसका आईपी 10.1.1 है। तो ये फोर्टिगेट फायरवॉल है, और मैं आपको विंडोज की मशीन पर भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। ये विंडोज की मशीन है, इसका आईपी मैं आपको दिखा देता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग, तो इसका आईपी आप देख सकते हैं 192.168.1.11 है, और इसका डिफॉल्ट गेटवे जो है वो फोर्टिगेट फायरवॉल का लैन इंटरफेस है 192.168.1.1। अगर मैं यहाँ से फोर्टिगेट के लैन इंटरफेस को पिंग करूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुझे पिंग का रिप्लाई मिल रहा है। और अगर मैं आपको विंडोज सर्वर पर लेके चलूँ, तो ये विंडोज सर्वर है, और इस विंडोज सर्वर का आईपी 10.1.1.2 है। इसको करेक्ट कर लेते हैं लैब में भी। ये हमारा आईपी 10.1.1.2 है। तो यहाँ से मैं पिंग करता हूँ फोर्टिगेट फायरवॉल के लैन इंटरफेस को, 10.1.1 को। तो आप देख सकते हैं 10.1.1, जो कि फोर्टिगेट फायरवॉल का लैन इंटरफेस है, वो मुझे पिंग हो रहा है। अब हमें जो पिंग करना है, जो कम्युनिकेशन अलाउ करनी है, वो विंडोज 10 मशीन से, विंडोज 7 मशीन से, सॉरी, विंडोज मशीन से एडी सर्वर तक कम्युनिकेशन को अलाउ करना है। तो मैं सबसे पहले विंडोज मशीन पे जाता हूँ, और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 10.1.1.10, 10.1.1.2 को, सॉरी, जो कि हमारा विंडोज सर्वर का आईपी है। तो आप देख सकते हैं 10.1.1.2 का मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा, आरटीओ मिल रहे हैं मुझे, यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो मैं चलता हूँ फोर्टिगेट फायरवॉल पे, और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों मैं विंडोज सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो हम चलते हैं सीएलआई पे, फोर्टिगेट के सीएलआई पे चलते हैं, और यहाँ पे हम पैकेट कैप्चर रन करके देखते हैं फोर्टिगेट फायरवॉल पे। डायगोनल स्निफर पैकेट एनी होस्ट, जो हमारा है वो सोर्स मशीन हम यहाँ पे डालते हैं। सोर्स मशीन है हमारी विंडोज़ की 192.168.1.11, और डेस्टिनेशन इसको जाना है 10.1.1.2, जो कि हमारे विंडोज सर्वर एडी सर्वर का आईपी है। और यहाँ से हमने पैकेट कैप्चर रन कर दिया है। विंडोज सर्वर मशीन पर एक बार आते हैं, और यहाँ से एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं पिंग 10.1.1.2, और देखते हैं कि फायरवॉल पे। तो आप देख सकते हैं 192.168.1.11 ये सोर्स आईपी है, और 1.2 ICMP को रिक्वेस्ट आ रहा है मुझे, जहाँ पे ये डेस्टिनेशन को मुझे पैकेट रिसीव हो रहा है फोर्टिगेट फायरवॉल पे, इस फायरवॉल पे पैकेट रिसीव हो रहा है, लेकिन ये आगे इसको फॉरवर्ड नहीं कर रहा, और ये पैकेट आगे नहीं जा रहा। तो हम देखते हैं डिबग रन करके कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके साथ में। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और एक बार डीबग रन करके देख लेते हैं। डायगोनल डीबग,
फ्लो फिल्टर। अगर कोई पुराना डीबग हमने रन कर रखा होगा तो हम उसको पहले क्लियर कर देते हैं, डायगोनस डीबग फ्लो फिल्टर, सोर्स आईपी दे देते हैं हम यहाँ पे 192.168.1.11, और यहाँ पे हम डेस्टिनेशन आईपी दे देते हैं 10.1.1.2। उसके बाद डायग्नोस डिबग इनेबल कर देते हैं, उसके बाद डायग्नोस डिबग फ्लो फिल्टर इसको ट्रेस करते हैं, और हम स्टार्टिंग में 10 पैकेट फॉरवर्ड करके देखते हैं क्लाइंट मशीन से, और देखते हैं कि क्या हमें लॉक्स मिल रहे हैं फायरवॉल पे। एक बार मैं फिर से विंडोज़ मशीन पर आता हूँ और यहाँ से दोबारा से पिंग करता हूँ 10.1.2 को, और अब देखते हैं फोर्टिगेट फायरवॉल पे कि हमें क्या लॉग्स मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे काफ़ी डिटेल्स में डीबग के लॉग आपको दिखेंगे, काफ़ी डिटेल्स में आपको ये लॉग्स यहाँ पे दिखाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको पैकेट रिसीव्ड हुआ, आप देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसको पैकेट यहाँ पे रिसीव्ड हुआ जिसका सोर्स आईपी था वो 192.168.1.11 और डेस्टिनेशन आईपी 10.1.1.2 था। पोर्ट नंबर 1 पे इसको रिसीव हुआ क्योंकि पोर्ट नंबर 1 पे ही हमारा लैन इंटरफेस है 192.168.1.1 जिसका आईपी है, और इसके लिए एक सेशन भी बना, इसको फाइंड आ रूट मिला, रूट भी मिल गया है इसको पोर्ट नंबर 3 पे, क्योंकि पोर्ट नंबर 3 पे मैंने आपको बताया था डीएम सेट कनेक्टेड है, राइट। तो ये इसको राउट भी मिल गया, लेकिन आप यहाँ पे देख जब आप देखेंगे तो ये दिखा रहा है डिनाइड बाय फॉरवर्ड पॉलिसी चेक पॉलिसी 0, ठीक है। तो ये पैकेट आपका यहाँ पे ड्रॉप हुआ है क्योंकि आपकी जो पॉलिसी 0 है उस वो इस पैकेट को डिनाई कर रही है, इसलिए ये पैकेट आपका डिनाई हो गया और ये आगे आपका पैकेट फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो मैं आपको अगर पॉलिसीज में जाके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इम्प्लिसिट डिनाई है, बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई है, इसको ये पॉलिसी 0 बोल रहा है और इस पॉलिसी के थ्रू ये पैकेट ड्रॉप हो रहा है। मैंने कोई भी पॉलिसी यहाँ पे नहीं बनाई है जो कि लैन से डीएमजेड ट्रैफिक को अलाउ करे, ये मेरी पॉलिसी टनल के लिए है, लैन टू टनल के लिए, और ये मेरी लैन टू वैन है, लेकिन लैन टू डीएमजेड कोई भी पॉलिसी नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये इम्प्लिसिट डिनाई के थ्रू मेरा जो पैकेट है वो ड्रॉप हो रहा है। तो इसको अलाउ करने के लिए आपको सिंपली फायरवॉल पे आना है, फायरवॉल पे आने के बाद यहाँ पे एक पॉलिसी बना लेनी है, पॉलिसी को नाम दे देना है इनसाइड टू डीएमजेड, और उसमें आपको आपको इनकमिंग इंटरफेस में अपना लैन इंटरफेस सेलेक्ट करना है, आउटगोइंग में अपना टीएमजेड का इंटरफेस सेलेक्ट करना है। नेट आप यहाँ पर डिसेबल कर देंगे, और डिसेबल करने के बाद आप चाहो तो सेशन को लॉक कर सकते हो, उसके बाद इस पॉलिसी को आप इनेबल कर सकते हो। तो ये आप एक बार ट्राई करके देखें अपने लैब एनवायरनमेंट में, इसको वर्चुअल मशीन पे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।